আমি ইতিমধ্যে পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে দাসের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। सुना आपने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुहर्रम के जुलूस में किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसे बैरिकेडिंग करें कि ताजियों का जुलूस आराम से निकल जाए। मुहर्रम पर ये फरमान दीदी की कथित तुष्टिकरण की राजनीति का नया अध्याय है। मुहर्रम के लिए ममता बनर्जी का आदेश इतना ही नहीं है, ममता ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पश्चिम बंगाल में ताजिया जुलूस के लिए अलग कॉरिडोर होगा। जुलूस के दौरान अधिकारी खुद निगरानी का काम करेंगे। मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकालने वालों को कोई परेशानी ना हो। हम है दक्षिण कोलकाता के एसपी मुखर्जी रोड में और आप देख सकते हैं कि ये कितना चौड़ा रास्ता है, लेकिन हर साल मुहर्रम के दिन करीब यहाँ से 2 किलोमीटर रास्ता प्रिंस अनवर शाह से लेकर राजबिहारी क्रॉसिंग के पास तक ये रास्ता मुहर्रम के दिन में ज़्यादातर समय बंद रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से मुहर्रम का ताजिया जाता है। मुहर्रम पर दीदी की विशेष मेहरबानी पर पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के इस फैसले पर विपक्ष उनकी नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के तीर चला रहे हैं। माइनॉरिटी वोट्स जो है वो पूरा टीएमसी के पास गए हैं, इसके लिए तो टीएमसी का अवार्ड रिवार्ड देना चाहिए। वो तो तुष्टिकरण का राजनीति इसका चरित्र में है। जहाँ जरूरत हो ध्रुवीकरण करो और चुनाव जीतते रहो। जबरदस्ती ये हमारे सीएम साहिबा ने तनाव पैदा करो और तनाव पैदा करके फायदा उठाओ, बस यही उनका मकसद है, नहीं तो अलग कॉरिडोर किसने उनको कहा। ममता सरकार पर विपक्ष के तुष्टिकरण के इन आरोपों का मजबूत आधार भी है और इसे साल 2017 के मामले से समझ सकते हैं। दरअसल वर्ष 2017 में मुहर्रम के जुलूस के लिए ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन एक दिन आगे बढ़ा दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि 1 अक्टूबर को मुहर्रम है, इसलिए उसी दिन दुर्गा विसर्जन नहीं होगा। ममता के इस फरमान पर बड़ा बवाल हुआ था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से ममता को बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने आदेश दिया कि मुहर्रम की वजह से मूर्ति विसर्जन नहीं रुकेगा, पुलिस को इसके लिए अलग अलग रास्ते तय करने होंगे। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार दीदी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के तीर चला रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है और 2024 लोकसभा चुनाव में इसकी झलक भी दिखी। मुस्लिमों ने एक मुश्त टीएमसी के पक्ष में वोट किया, लिहाजा विपक्ष पूछ रहा है कि क्या दीदी मुस्लिमों के एक मुश्त वोट का रिटर्न गिफ्ट मुहर्रम पर अदा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2022 में दुर्गा पूजा के आयोजन पर ममता सरकार ने पंडाल कमेटी को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि दुर्गा पंडाल की वजह से सड़कों पर व्यवधान ना हो, लेकिन मुहर्रम में दीदी के आदेश बिल्कुल उल्टे हैं और ऐसे फैसलों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। उनके वैसे फैसलों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, खत्म नहीं। ममता सरकार पर हाल ही में हुए बुलडोजर एक्शन में हिंदुओं का टारगेट करने के आरोप लगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दीदी ने बीजेपी की चुनावी नौटंकी का। सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे पर दीदी ने एतराज जाहिर किया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस से पहले राम भक्तों को चेतावनी दी। मुस्लिम धर्म गुरुओं को पेंशन देने पर पश्चिम बंगाल में बड़ा विवाद हुआ। ये तमाम वो बातें हैं जो ममता के राम। Z News।